मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। तो देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज म्यूनिख में बारिश हो रही है और बहुत ठंड है। तो देखते हैं आज कार्तिकेयन कैसे स्कूल जाता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं और कुकू यहाँ पे इसका स्नैक्स टाइम है, कुछ खा रही है। तो और मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ और मैं अभी चाय पी रही हूँ थोड़ी सी। आज यहाँ पे बारिश हो रही है तो थोड़ी ठंड है। आज मेरी फ्रेंड है, मॉरिशस से है वो। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इससे पहले मैं मॉरिशस में रहती थी। से हेलो कर दो सबको। से हेलो हेलो। तो फ्रेंड्स, मैंने कुकू को यहाँ पे बिजी कर दिया है, वो कुछ अपना कार्टून वगैरह देख रही है। तो मैं आपको बता रही थी मॉरिशस के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले मॉरिशस में रहती थी, तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मुझे मैसेज आ रहा था 2 दिन पहले। तो मैं उस टाइम बिजी थी, मैं उससे बात नहीं कर पाई। तो वो मुझे कॉल भी कर रही थी, तो आज मैंने उसको कॉल किया तो अनफॉर्चुनेटली वो किसी मीटिंग में बिजी थी। तो शी टोल्ड मी शी विल कॉल मी वेन एवर शी विल फ्री। तो देखते हैं शी विल कॉल मी और नॉट। अगर वो मुझे कॉल करती है, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है कि मैं जिस घर में रहती थी वो लैंडलॉर्ड कैसा है, कोई इशू वगैरह तो नहीं है, तो अगर वो मुझे कॉल करेगी तो मैं वो अगर उस घर में शिफ्ट होती है, अगर सब कुछ ठीक रहता है, तो मैं उसको बोलूँगी कि मुझे वहाँ की कुछ वीडियो वगैरह बना के दे। तो फ्रेंड्स, अगर वो मुझे वीडियो भेजेगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी कि मेरा मॉरिशस में घर कैसा था। और फ्रेंड्स, मैं एक व्लॉग बनाऊँगी, मैं अपने उसमें अपनी फैमिली से आपको मिलाऊँगी और मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरा व्लॉग देखते रहिए। फिलहाल तो अभी मेरा लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक है लंच में क्या बनाना है। तो चलिए मैं अब किचन की ओर तरफ जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी किचन में आ गई हूँ। तो लंच तो मैंने बना लिया है। तो मैंने अभी अपना स्नैक्स का डब्बा देखा तो वो खाली था। मैं घर में बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह घर पर ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि घर पर ही बनाऊँ। और तो सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ। मैं आज सोच रही हूँ कि नमक पारे बनाती हूँ। तो बच्चों को पसंद है नमक पारे, वो जब फ्री होते हैं तो खा सकते हैं। कार्तिक इनको भी पसंद है, हस्बैंड को भी मेरे नमक पारे बहुत पसंद है। तो मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग का भी शौक है, बहुत अच्छा खाना तो नहीं बनाती हूँ मैं, पर थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि मैं कैसे नमक पारे बनाऊँगी आज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा अजवाइन डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, अजवाइन डालने से डाइजेशन में भी ठीक रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी ले सकते हैं या कोई भी नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। मैश करने के बाद मैं ये एक गिलास पानी से भी कम पानी है, इसको मैं एक डो बना लूँगी। ये मेरा डो रेडी हो गया है, अब मैं इसको रोटी से बेल लेती हूँ। ये रोटी जैसे मैंने बेल लिया है, अब मैं इसको कटर से कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, नमक पारे रेडी हो गए हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरे नमक पारे कैसे बने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुकू को ढूंढ रही थी और मैंने देखा कि कुकू यहाँ पे सोई हुई है, अपने आप सो गई, इसने शूज़ भी नहीं उतारे हैं क्योंकि आज सुबह ये बहुत जल्दी उठ गई थी।
तो कुकू सो गई है, मैं आपको कुकू से बाद में मिलवाती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए हैं कार्तिकेन को लेने के लिए, हम लोग लिफ्ट में हैं। तो चलिए आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और मैं लिफ्ट में, चलिए तो मिलते हैं कार्तिकेन से। तो फ्रेंड्स देखिए, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है, सारे रेस्टोरेंट कैफे सब बंद हुआ पड़ा है। जर्मनी में भी कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर दिया है। और आज बाहर बहुत ठंड है, आप देख सकते हैं, जैसे कि वेदर एकदम क्लाउडी है। आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी रात के 11 बज गए हैं, आज काफ़ी लेट हो गया है। कार्तिकेयन एंड कात्यायनी दोनों सो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना